हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, जो हम लोग बैठे रहते हैं और कोई काम काज ज़्यादा करते नहीं है, खास करके कोरोना के समय में जो लॉकडाउन वगैरह का टाइम बीता, तो अक्सर के मेरे पास फ़ोन आते हैं या फिर व्हाट्सएप में आप लोग मेरे पास मैसेज भेजते हो कि सर, हमारा घुटना काफ़ी ख़राब हो गया है, कमर ख़राब हो गया, हमको चलने घूमने में मुश्किल लात होती है। ये सब चीज़ें दोस्तों होना ही है, क्योंकि एक इंसान अगर कामकाज नहीं करेगा, एक फ्री लाइफ नहीं जिएगा, वॉक वगैरह नहीं करेगा, एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं करेगा, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। वेट बेयरिंग जॉइंट उसका खराब होगा, मसल्स साथ नहीं देंगे, लिगामेंट उसका साथ नहीं देंगे, अल्टीमेटली जो नर्व वगैरह है वो डैमेज होते जाएगा। इसका खामियाजा जो है हमारे पूरे शरीर को और मन को झेलना ही है। आज जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है कि आप घुटने को समझो। घुटने को ठीक करने का जो मेथड है, जो नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो, एक्सरसाइज से, योगा से, आपका नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जो घर में हमारे अवेलेबल है, वो बताने को कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी जानकारी मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, उस किताब में पूरी जानकारी दिया हूँ 2500 से ज़्यादा टिप्स के साथ, कंप्लीट एक्यूप्रेशर का नॉलेज विथ 4 कलर का फोटो इंटरनेशनल किताब माई हेल्थ इन माई हैंड, इंग्लिश और हिंदी कोई भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहो, रेफरल बुक की तरह इस्तेमाल करना चाहो, किसी को गिफ्ट करना चाहो, खास करके नियरर डियरर को, तो ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल है, वहाँ से मंगाएं और इसका इस्तेमाल करें। और वीडियो को चलिए मैं आपसे साझा करता हूँ। घुटना मानव शरीर का एक ऐसा हिस्सा है दोस्तों जो पूरे शरीर का भार उठाता है, इसलिए इसको वेट बेयरिंग जॉइंट कहा जाता है। घुटने की हड्डी के जोड़ने वाले सिरे पर कैटिलेज का परत चढ़ी होती है। कैटिलेज चिकने रबर जैसे मुलायम संयोजी उत्तकों का समूह है जो जोड़ों को ठीक ढंग से मोड़ने और घुमाने में दोस्तों मदद करता है। चोट और घाव से कैटिलेज को हानि पहुंचती है जिससे कैटिलेज घिसने लगता है। उम्र के मुताबिक भी होता है, जैसे एज बढ़ते जाती है ये चीज़ें होती है, और ख़ास करके आज के दिन में तो यंग बच्चे लोगों को भी ऐसा होने लगा है, 30-35 साल में औरतों को भी होने लगा है। एक होता है आपका जैसे मोटापा, अगर आप मोटापे के शिकार हो, ओवरवेट हो, तो आपके शरीर का वजन आपके घुटने का दुश्मन बन सकता है, क्योंकि जब शरीर का वजन ज़्यादा होता है तो उसका पूरा भार पैरों पर दोस्तों आ जाता है। पैरों पर शरीर का पूरा भार आ जाने की वजह से घुटने में दर्द का शिकायत शुरू होता है, यानी वहाँ पे डैमेज होना शुरू होता है। किसी कारण से अगर हमारे पैरों में विकृति शुरू होती है तो भी दोस्तों हमारा घुटना दर्द यानी नी पेन शुरू हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पैर सीधे ना होकर मुड़े होते हैं तो यानी कर्व होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शरीर का भार घुटने की एक तरफ आ जाता है जो घुटने में दर्द और गठिया का कारण बन सकता है। पैर की इस विकृति को दूर करने के लिए सर्जरी कराई जा सकती है, इससे घुटने में दर्द और गठिया होने की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट जो करें वो जरूर आप शुरुआती समय में नेचुरल तरीके से करें, अपने खान पीन को बदलें, एक्सरसाइज हल्का हल्का करें। कई वीडियोज मैंने डाला हूँ घुटने पे, उसको फॉलो करें दोस्तों, और बार बार बीच बीच में रिपीट कर देता हूँ, किताब का सहारा जरूर लो, ये हेल्थ डिक्शनरी की तरह आपको हेल्प करेगा। जहाँ आप कन्फ्यूज्ड होते हो, जहाँ आप नहीं जान पाते हो, आप उसका सहारा लो, फोटो वगैरह देखो, पढ़ो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसके सहारे भी आप बहुत 80% तो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, कई बार डॉक्टर भी कहते हैं, कई बार ना डॉक्टर होते हुए भी आपको मिसगाइड करते हैं, वो है कि घुटने में पानी भर गया है, पानी नीडल से निकालना। मेरी जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है, जिन जिन बंदों का घुटने से पानी एक बारी निकालने के नाम में नीडल डाला गया है और सीरिंज से उसको खींचा गया है,
ऐसे दो चार बार जिसके साथ हो गया उसका घुटना कभी नहीं ठीक हो सकता। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में कई तरह का, जैसे रिमाटेड आर्थराइटिस है, उसके साथ साथ आप किसी को अगर ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, गठिया के अनेक तरीके का दोस्तों बीमारी है जो हमारे जॉइंट को खराब करता है और खास करके वेट बेयरिंग जॉइंट तो बिल्कुल तबाह हो जाती है। इसके कारण हमारे घुटने में सूजन होती है, लालीपन आती है और धीरे धीरे हम असहनीय दर्द के चक्कर में पड़ जाते हैं। दवाई के मदद से इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर घुटने ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सर्जरी करना ही पड़ता है। यानि दवाई कुछ हद तक तो काम करता है मगर ज़्यादा दोस्तों नुकसान करती है और हमें धीरे धीरे सर्जरी के चपेटे में लेके पहुंचा देती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैटिलेज के डैमेज होने और दर्द के साथ घुटने में अकड़न होने की स्थिति को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वजन को नियंत्रण करके, फिजियोथेरापी, एक्यूप्रेशर और आपका नेचर केयर वगैरह करके आप इससे बच सकते हो। पेन किलर वगैरह आप लोगे तो उल्टा किडनी भी आपका ख़त्म होगा, आपका लीवर भी ख़त्म होगा, उसके साथ साथ घुटना भी धीरे धीरे और डैमेज्ड होते जाएगा। कुछ एक्सरसाइज दोस्तों आपको बताता हूँ, इससे हो सकता है आपको लाभ हो। सबसे पहले एक कुर्सी लें और उसके बाद उसके पीछे खड़े होकर उसे पकड़ लें। आप बिल्कुल सीधा खड़े हों और अपने एक पैर को पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने कुल्हे तक लाने का प्रयास करें। उसके बाद दूसरे पैर से भी यही एक्सरसाइज करें। इसे आप अपने कमरे में बैठे बैठे भी कर सकते हो। इसको करने से आप पर दिन भर की थकान को दूर करने में भी काफ़ी दोस्तों मदद मिल जाती है और आपका जो काफ मसल्स हैं, थाइज मसल्स हैं, ये रिलैक्स रहते हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज को लोग लिफ्ट एक्सरसाइज भी कहते हैं। बेड पर करवट लेकर लेट जाएं, सबसे पहले बाएं पैर को उठाकर करीब 60 डिग्री तक लें, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक रोकें और धीरे धीरे नीचे लाएं। इसके साथ सांस को भी आप रोक के भी ऊपर ले सकते हो, सांस को छोड़ते हो नीचे भी ला सकते हो 15 सेकंड या 10 सेकंड रोक के। उसके बाद करवट बदलकर दाएं पैर के साथ भी सेम एक्सरसाइज आप करें। ऐसा 5 बार 10 बार आप रिपीट कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों की नसों को आराम मिलता है और घुटने की भी सक्रियता बढ़ जाती है दोस्तों। एक और एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जिसे चेयर डिप्स बल के कहा जाता है। इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। दरअसल इसमें आप एक कुर्सी को लेते हैं और कुर्सी पर अपने दोनों हाथों को टिका कर अपने शरीर को सामने के ओर ले जाते हैं। अब अपने पैरों को घुटने से मोड़कर इसी अवस्था में डिप्स मारने की कोशिश करते हैं। इससे आपके शरीर के साथ साथ पैर और जांग की मांसपेशियां भी सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है और घुटने के दर्द से दोस्तों तुरंत राहत मिल जाती है। करोगे तो आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा जो घुटना खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो चुका है, उनको इस एक्सरसाइज से बचनी चाहिए। कोशिश करके देखो, जब अच्छा लगता है तो ही करना। जिनका जैसे सियाटिका नर्व वगैरह बहुत ज़्यादा खींचा है तो भी एक्सरसाइज करोगे, उनको भी लाभ होगा दोस्तों। अगर आपके परिवार में किसी को जोड़ों के दर्द की परेशानी है तो मैं आपको ऐसे एक ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप ठीक हो सकते हो। इसका सेवन करते ही 5-6 दिन के अंदर ही दोस्तों आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस हेल्थ ड्रिंक्स को बनाना ईजी है और इसका कोई दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं है। इसे पीने से ना सिर्फ घुटने का दर्द ठीक होता है बल्कि शरीर को ताकत भी मिलती है। सलाह दिया जाता है कि इस ड्रिंक को रात में सोने से पहले पीना चाहिए। 20 दिनों तक इस पेय का सेवन करने से घुटने के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाती है। वे लोग जिनके घुटने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रहती है उसे कम से कम 2 महीने तक रोज इस काढ़े को पीनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स है इसका तैयारी कैसे करोगे और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करके आप रखोगे और हर रोज सुबह शाम इसका इस्तेमाल करोगे। एक बार भी अगर ले लो सुबह सुबह ना काफ़ी है। आपको क्या करना है, कम से कम 5 छोटे चम्मच काली मिर्च, यानी अगर 1 चम्मच में 6-7 काली मिर्च भी आते हैं दोस्तों
तो आप कम से कम 5 चम्मच ले लीजिए और कम से कम 15 छोटा चम्मच दोस्तों जीरा ले लें, 15 से 20 छोटे चम्मच आप मेथी का दाना ले लीजिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप मेथी को मिक्सचर जार में डालकर ग्राइंडिंग करके उसको छन्नी की मदद से छान कर रखें। फिर आप क्या करो ना, काली मिर्च के दानों को भी ऐसे ही मिक्सी में पीस कर उसको पाउडर बनाकर छान के अलग सा रखिए। तीसरे में आप जो जीरा है उसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लें और उसके पाउडर को भी छान कर अलग से कटोरी में रखें। अब इन सारी पाउडर को एक साथ मिक्सी करें और एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दें। अब आपको करना क्या है, हर रोज सुबह एक कांच के ग्लास में पानी लें, उसमें 1/2 चम्मच पाउडर डालनी है, अच्छे से उसको मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसको धीरे धीरे करके पी लें। ये हेल्थ ड्रिंक्स जो है दोस्तों थोड़ा सा तीखा लग सकता है पीने में, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गुड़ के साथ भी मिक्स करके भी ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर रोजाना आप इसको लेते हो और आप 2 महीने के अंदर देखोगे कि जोड़ों का दर्द खत्म, डायबिटीज है वो कंट्रोल में आ गया, मांसपेशी में ताकत आ गई, थकान नहीं हो रही है, टायर्डनेस बिल्कुल खत्म है, सुबह उठते हो पूरा स्फूर्ति के साथ, रात में जाते हो गहरी नींद होती है, जो खाना खाते हो हजम हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया है। ये बदलाव लाने के लिए और एक प्रयोग आप करिएगा, वो है कि जो मैं एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स बताया हूँ कई सारे वीडियो में, उसको फॉलो करिए। वो पॉइंट्स सब खाना खाने के पहले दबाए, खास करके लीवर का पॉइंट, हार्ट का पॉइंट, ब्लैडर का पॉइंट, आपका किडनी का पॉइंट, थायराइड का पॉइंट, खाना खाने के 10 मिनट पहले ही दबानी है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तीनों टाइम में अगर पॉइंट दबाओ, खाना खाओ, सुबह इससे 1/2 चम्मच डालो अपना पानी में या 1 छोटे चम्मच में 1 चम्मच डालो और पी लो उसको, देखो आपका जिंदगी में कितना बदलाव आता है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द सारा दोस्तों खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग बहुत ही दोस्तों जबरदस्त है और अच्छा काम करेगा। लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल देर मत करो, तुरंत आप ऑनलाइन अमेजन से मेरी किताब को मंगाओ और उसको आज रेफरल किताब इस्तेमाल करो और हर बीमारी का इलाज उसमें जो मैं दिया हूं उस इलाज को आप घर में ही ठीक कर सकते हो, किसी दवाई दुकान पे जाए बिना, अस्पताल पे जाए बिना। इस बात को गांड बना लीजिए दोस्तों, सबको शेयर करिए इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लाभ होती है और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचे ऑथेंटिक तरीके से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।